राइट, मैं कश्मीर सिंह थिंग, चेयरमैन जीएमटी पब्लिक स्कूल। ये स्कूल असी अपनी माता माता जी और अपने फादर जी दे मैं याद विच बनाया है। इस स्कूल नू तकरीबन 15 साल हो गए चलदे। जदों ये स्कूल असी बनाया सी उदों साडे को 250 बच्चा सी, अज साडे को 3000 तो उत्ते बच्चा आ। इस स्कूल लगातार तरक्की दी बुलंदियां नू छू रहा है और इत्थे साडा जो स्टाफ है बड़ा क्वालिफाइड और वैल एजुकेटेड स्टाफ है और वैल कल्चर्ड स्टाफ है। ते बाकी साडे प्रिंसीपल बहुत अच्छे ने, ते साडे नाल ब्रदर है साहब जसबीर सिंह जी जिहड़े मेरे नाल पूरा साथ दिंदे ने। इस करके असी इस स्कूल दी हर तरक्की वास्ते, असी हर सिस्टम नू बड़े सिस्टमैटिकल करन वास्ते, असी इस स्कूल दी तरक्की वास्ते हर कदम अगे पुट रहे हैं। मैं जसबीर सिंह, डायरेक्टर जीएमटी स्कूल लुधियाना। ये स्कूल साडा 20 साल तो अप्रोक्सीमेटली 20 साल तो चल रहा है, जिस विच के ਇਹ ਮਾਤਾ ਗੁਰਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ GMT ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ GMT ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ। ਮਾਈ ਸਕੂਲ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਨਰਸਰੀ ਟੂ ਪਲੱਸ ਟੂ, which is having all the streams, and maximum I will say the pressure is on the good education and the quality of the education to be given. We are not running after the quantity, especially nowadays when the students are not getting the values or they are not giving the respect to the elders. We are having the special CCE pattern, jisme humne special bachcho ko sikhana hai, sikha bhi rahe hain life skills, aur pura CBSE pattern ko follow kar rahe hain, jisme hume special bachcho ko life skills ke bare mein, attitudes, behavior, kaise unhone kal society mein jaake un sab ko behave karna hai, un logon se milna hai, julna hai, aur unke sath kis aadar se ya respect se baat karni hai, aur apna pura ek citizen, good citizen bankar, ek acche nagrik bankar, ताकि स्कूल का नाम रोशन कर सकें। दूसरी तरफ आजकल स्पोर्ट्स जो है, बच्चों की एक्टिविटीज़ कम होती जा रही हैं, क्योंकि उनके पास आजकल जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है, मोबाइल, टीवीज, जिसके कारण उनकी सारी एक्स्ट्रा आउटडोर एक्टिविटीज़ खत्म हो चुकी हैं। उस पर हम स्पेशल उस पर मैं अटेंशन देती हूँ। हमारे बच्चे मोस्टली जो है सारी गेम्स स्पोर्ट्स में टॉपर्स बनते आ रहे हैं, और दे हैड द विन द इंटरनेशनल, नेशनल एंड सहोदिया गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऑल्सो। ये मेरे बच्चों के लिए इनडायरेक्टली, मैं हर एक्टिविटी में मैं ये चाहती हूँ, ना ही वो मेंटली बट ऑल्सो फिजिकली दे शुड बी फिट टू फाइट विद द सोसाइटी, एज वेल एज टू बी द वन ऑफ द गुड सिटीजन ऑफ द सोसाइटी बाय प्रेजेंटिंग माय स्कूल एंड माय द एजुकेशन गिवन बाय माय टीचर्स एंड द हेल्प एज वेल एज द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट टू द स्कूल। एंड थैंक्स टू माय मैनेजमेंट एज वेल एज माय स्टाफ, जो मेरे बच्चों को बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन देने में मेरी हेल्प कर रहे हैं, और उनको एक अच्छा सिटीजन बनाने में और सोल्जर बनाने में हर तरफ से हेल्प करने में लगे। मेरे बच्चों के एकेडमिक्स में दे आर एट द वन ऑफ आई विल से कि भी बेस्ट है। लास्ट ईयर भी मेरा जो रिजल्ट निकला, अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं उनमें 75% स्टूडेंट्स के 90% स्कोर हुए थे, और सिर्फ एक ही स्ट्रीम में नहीं, स्पेशली इन द मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। आर्ट्स में भी जो मेरा टॉपर था वो 82% लेके पास हुआ है। इस साल भी मेरे को यही है कि भी उनका बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दिया जाए बाय गिविंग देम द एक्स्ट्रा क्लासेस और वेल क्वालिफाइड स्टाफ और पूरा टेक्निक्स, ऐसी स्ट्रेटजीज अप्लाई करके, ताकि बच्चों के लिए एजुकेशन एक फियर ना हो, वो एक उनके लिए एक रिलैक्सेशन, और वो एंजॉय करें पढ़ते हुए। उसके सेपरेट जैसे स्मार्ट क्लासेस हो गई या कंप्यूटर क्लासेस हो गई, एज वेल एज उनको हम लोग स्पेशल असाइनमेंट्स एंड वर्कशिप्स देते हैं। और इस साल तो मेरा ये भी प्लान है, वी आर गोइंग फॉर द वन ऑफ द एक्स्ट्रा कोचिंग्स स्कूल की तरफ से उनको फ्री दी जाए, ताकि वो लोग आगे कंपटीशंस को कम्पीट कर सके। और फैसिलिटी जैसे अब हम लोग PTM पे हमारा पूरा प्लान है कि वी आर गोइंग फॉर द बुक फेयर।
इस बुक फेयर में मैक्सिमम बच्चों को हमने रीडिंग स्किल्स के लिए एनकरेज करना है, और मैंने बच्चों की स्कूल में लाइब्रेरी बनवा रही हूँ, और उनको हॉलीडे होमवर्क में जो समर वेकेशन में हम लोग देते हैं रीडिंग स्किल्स के लिए, वह हर बच्चा एक एक बुक बाय करेगा, चाहे वो 10 रुपये की हो 20 रुपये की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरी क्लास में 45 बच्चे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो 10 रुपये की भी बुक खरीद नहीं सकते, तो हर क्लास की एक सेपरेट लाइब्रेरी बनेगी, ताकि एक बच्चा 40 बुक पढ़कर अपनी नॉलेज को और एनरिच कर सके और बढ़ा सके। इनडायरेक्टली मैं उन पेरेंट्स के लिए हेल्प हो जाएगी जो बेचारे आजकल हर बच्चों की अपनी नीड्स पूरी नहीं कर पाते। दूसरी बात ये भी होता है कि बच्चों को आज एडवांस टेक्नोलॉजी में ना ही सिर्फ बुकिश नॉलेज होनी चाहिए, उनको और सोशल अवेयरनेस के लिए सेवरल क्लब्स हैं हमारे स्कूल में, लिटरेरी क्लब हो गए, साइबर क्लब हो गया, ताकि बच्चे जो है मेरे सारे उसमें परफेक्ट हों जिस मर्जी स्किल, क्योंकि आज की दुनिया में मुझे लगता है सिर्फ एकेडमिक्स हर जगह काम नहीं आएगा, उनकी स्किल्स ज़्यादा काम आती हैं। अगर बच्चों में स्किल ना हुई तो वो बच्चे मुझे लगता है कि भी वो एक MBA अगर या कर भी लेता है मेरा बच्चा, पर गोल्ड मेडलिस्ट है और कोई टॉपर है, लेकिन उसको ये नहीं पता हाउ टू कन्वर्स, उसकी उन स्किल्स को सारों को मैं डेवलप करने में पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ। कमर्स क्लासेस में हमारी जो स्पेशल प्रैक्टिकल्स होते हैं, उससे पहले हम लोग यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज करवाते हैं स्पेशल, हम वैसे ही पूरा सेटअप अरेंज करते हैं जिसमें बच्चे अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनको पूरा पैनल्स कैसे कैसे क्रॉस करने हैं, कैसे फेस करने हैं, कैसे इंटरव्यूज देनी है, वो सब यहाँ पढ़ाया जाता है और सिखाया जा रहा है। चेयरमैन सरदार कश्मीर सिंह थन एंड डायरेक्टर सरदार जसवीर सिंह थन, इन दोनों की जितनी मैं प्रेज करूँ उतनी कम। ये हर वक्त मुझे एक ही गाइडेंस इनसे मिली जाती है कि रविंदर ऑलवेज यू हैव टू टेक केयर ऑफ द स्टूडेंट्स। किसी भी तरफ का बेनिफिट उनको दिया जा सकता है तो फी कंसेशन हो गई या कोई भी एडमिशन, कोई सिंगल पेरेंट आता है या कोई वीडियो आती है या कुछ भी है, गर्ल चाइल्ड है या कोई भी है, दे यूज टू से कि यू हैव टू कीप इन माइंड कि उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम फैसिलिटी और उनकी केयर की जाए। मेन अगर उनकी सपोर्ट मुझे ना हो तो मुझे लगता है कि हमें बहुत मुश्किल होता है एज अ प्रिंसिपल टू जस्ट रन द स्कूल। दे आर माई सपोर्टर्स एंड दे आर ऑलवेज विद मी टू अपलिफ्ट द स्कूल। जितने भी स्कूल्स में चेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा बिल्डिंग का या कोई भी इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट है, वो सब इनके आइडियाज पहले होते हैं और मेरे जस्ट एक एडिशनल कमेंट्स होते हैं। हमारे पास ग्राउंड्स, अगर मैं बात करूं, मेरे पास क्रिकेट के लिए भी ग्राउंड है, एज वेल एज आई एम हैविंग द ग्राउंड फॉर वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, और मेरे छोटे छोटे बच्चों की मैंने टीम्स भी बनाई हुई है जिसमें हम लोग फुटबॉल की टीम्स फ्रॉम फर्स्ट ऑनवर्ड बन रही है। मेरे स्कूल में हम लोग एजुकेशनल टूर्स भी भेजते हैं, उनमें एक स्पेशल मैंने रखा हुआ है कि दे शुड विजिट द यूनिवर्सिटीज एंड द कॉलेजेस, ताकि बच्चों को मेरे बच्चे जो स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे उनको हम समेट के अपनी गोद में रखते हैं, कॉलेज में उन्होंने वर्ल्ड में जब एंटर करना है पता नहीं किन किन प्रॉब्लम से फेस करना है, ताकि उनको फेस करने के लिए पहले ही हम प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। सेवरल कॉलेज जैसे बजाज कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, मैंने LPO हो गया, इनकी विजिट्स विक्रेंट वहाँ पे करवाती हूँ।